बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। जी हां, जिस तरीके से आज का जो मैच होना है वो मैच इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान होगा। आपको बता दें, पहले मैच में शर्मनाक हार के बाद अपने अभियान को वापस पटरी पर लाने वाला पिछला चैंपियन इंग्लैंड रविवार को यानी कि आज अरुण जेटली स्टेडियम पर अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले विश्व कप मैच में अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर बड़ी जीत दर्ज करने और नेट रन रेट में सुधार करने की कोशिश करेगा। आपको बता दें, यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। गौरतलब है कि इंग्लैंड की इस टूर्नामेंट में शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसे 5 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड से 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ऐसे में इंग्लैंड की नजर अब बांग्लादेश को हराकर शानदार वापसी पर होगी। आपको बता दें, जॉस बटलर की अगुवाई वाली टीम ने हालांकि मंगलवार को धर्मशाला में बांग्लादेश को 137 रन से हराकर अच्छी वापसी की। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड के लिए बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजी चिंता का विषय रही थी। तब डेविन कॉनवे और रचिन रविंद्र के सामने उसके गेंदबाज चाहे क्रिस वोक्स हो, चाहे मार्क बोर्ड या सैम करन, मोइन अली या आदिल दासिद हो, सब सामान नजर आए थे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ अगले मैच में इंग्लैंड ने प्रत्येक विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी टीम की मजबूती का पुख्ता नमूना भी पेश किया। पारी की शुरुआत करते हुए डेविड मलान ने 107 गेंद पर 140 रन बनाए, जबकि जो रूट और जानी बेस्टो ने भी उपयोगी योगदान दिया था। इस मैच में आपने देखा होगा जिस तरीके से दोनों इनके प्रमुख ओपनर और चाहे हम जॉनी बेस्टो की बात कर लें चाहे जो रूट की बात कर लें, दोनों ने बेहतरीन पारी खेली। वहीं अगर बात की जाए अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच आज खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम अरुण जेटली स्टेडियम की सपाट पिच पर बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए अपने सलामी बल्लेबाजों से अच्छी शुरुआत की उम्मीद करेगी। यह उपेक्षाकृत छोटा स्टेडियम है और यहां अभी तक जितने भी मैच खेले गए हैं उसमें बड़ा स्कोर बना है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर बात की जाए तो इंग्लैंड को हैरी ब्रूक्स और लियम लिविंगस्टन से खासा उम्मीद होगी। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके से हैरी ब्रूक्स और लियम लिविंगस्टन हर बाल को अपने आप में इतना दमखम रखते हैं कि वो हर बाल को बाउंड्री के बाहर फेंक सकते हैं। कप्तान बटलर के अलावा हैरी ब्रूक्स और लियम लिविंगस्टन भी मध्यम क्रम में उपयोगी योगदान देने के लिए बेताब होंगे। इंग्लैंड ने पिछले मैच में मोइन अली की जगह रीस टॉपली को टीम में शामिल किया था, उसका यह फैसला भी सही रहा। यानी कि जो उन्होंने रीस टॉपली को मोइन अली की जगह टीम में शामिल किया उसका फैसला सही साबित हुआ था, क्योंकि बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ कहर भर पाते हुए मात्र 10 ओवर में 43 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे। अगर बात की जाए तो बोक्स, वुड, करन और राशिद यानी कि सभी इनके गेंदबाज अच्छे फॉर्म में इस समय हैं। पिछले मैच में न सिर्फ किफायती गेंदबाजी की बल्कि विकेट भी हासिल किए। इंग्लैंड अगले मैच में भी अपने खिलाड़ियों से इसी तरह की प्रदर्शन की उम्मीद करेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इंग्लैंड की पूरी कोशिश अफगानिस्तान को हराने पर रहेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड बड़ी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगा जिससे उसके नेट रन रेट में सुधार हो। पहले मैच में बड़ी हार के कारण उसका नेट रन रेट बहुत अच्छा नहीं है। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है तो लगातार 2 मैच हारने के कारण उसके खिलाड़ियों का मनोबल गिरा हुआ है। वहीं अफगानिस्तान को पहले मैच में बांग्लादेश ने 6 विकेट से और दूसरे मैच में मेजबान भारत ने 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। अगर बात की जाए अफगानिस्तान की टीम में हालांकि प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और वह टूर्नामेंट का पहला उलटफेर करने की कोशिश करेंगे। यह काम हालांकि उनके लिए आसान नहीं होगा। अफगानिस्तान के लिए सभी विभाग चिंता का विषय है, वो चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। बांग्लादेश के खिलाफ उसके बल्लेबाज चल नहीं पाए और उसकी टीम महज 156 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। भारत के खिलाफ उसने 8 विकेट पर 272 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, लेकिन उसके गेंदबाज इसका बचाव करने में नाकाम रहे थे। अब हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता उसके सलामी बल्लेबाज का प्रदर्शन है। अब तक खेले गए 2 मैचों में दोनों सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे। वहीं अफगानिस्तान की गेंदबाजी भी अभी तक सामान्य नजर आई है। उसकी टीम को अगर वापसी करनी है तो फजल हक फारूकी, मुजीबुल रहमान, नवीन उल हक और राशिद खान जैसे खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर
अफगानिस्तान को इस वर्ल्ड कप में अपने आप को वापस लेके आना है। अफगानिस्तान अगर आज बढ़िया बॉलिंग करती है, बढ़िया बैटिंग करती है, क्योंकि उनके पास एक से एक नामी गिनामी खिलाड़ी भी हैं, राशिद खान को हर कोई जानता है, उनके जो मोहम्मद नबी हैं एक नंबर के ऑलराउंडर, वो भी बढ़िया खेलते हैं, फजल अक फारूकी की बात करें तो एक नंबर के बॉलर हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज अच्छे बैट्समैन हैं। पूरी टीम को मिलकर देखना होगा कि गलती कहां हो रही है, उस हिसाब से आज उनको इंग्लैंड के सामने उतरना होगा। वही इंग्लैंड भी जिस तरीके से वो खेलती है, स्टार्टिंग से चढ़कर खेलती है, और दिल्ली का पिच तो आप सबको पता होगा कि वो बैट्समैन के लिए एक तरीके से योगदान है, बैट्समैन के लिए एक तरीके से वो आप ये कह सकते हैं कि उनके लिए वरदान है वो पिच। बैट्समैन जिस तरीके से उस पर रन बनाते हैं, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की टीम को उनको रोकना होगा। फिलहाल वर्ल्ड कप के हर मैच के लिए, हर रिकॉर्ड के लिए और पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।